दो रूट्स होती हैं इसकी, मीजल रूट एंड डिस्टल रूट. मीजल रूट जो होती है वाइडेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और डिस्टल रूट इज़ द स्मॉलर एंड वीकर वन. उसके बाद इसके वेरिएशन एंड अनामलीज आ जाती हैं. वेरिएशन एंड अनामलीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस मेलबरी मोलर्स, ये मैक्सिलरी फर्स्ट की भी है और मैंडिबुलर फर्स्ट की भी अनामली है. मेलबरी मोलर्स के अंदर क्या होते हैं, होचिसन इंसाइजर्स और कंजेनिटल सेफिलस, ये इससे रिलेटेड है. ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर मेलबरी मोलर्स का आ जाते हैं. और इसके अंदर वेरिएशन क्या है कि मे लैक डिस्टल कस्प. जो जो डिस्टल कस्प हमने बक्कल साइड पे पढ़ा था, वो कहते हैं कि ये मे वेरी करता है कि ये एबसेंट भी हो सकता है और एग्जिबिट थ्री रूट्स. इसकी तीन रूट्स भी हो सकती हैं. ये इसके अंदर अनोमली आ जाती है कि मीजल और डिस्टल में पड़ी हैं, वो तीन मीजल के आगे दो ब्रांचेज निकल आती हैं. उसके बाद ये सारा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैंडिबुलर सेकेंड मोलर. मैंडिबुलर सेकेंड मोलर सारे डायमेंशन से बिल्कुल रिलेट करता है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर से. कुछ वेरिएशन है इसके अंदर जो कि हम डिस्कस करते हैं. ये उसका यूनिवर्सल नंबर FDI और पामर नोटेशन लिखा हुआ है. इट इज़ द नंबर 7 टूथ फ्रॉम द मिड लाइन. और इसका मीजल अटैच होता है मैंडिबुलर फर्स्ट से और डिस्टल अटैच होता है मैंडिबुलर थर्ड मोलर से. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ 12 ईयर टूथ, क्योंकि ये 12 साल की उम्र में इरप्ट करता है. 11 टू 13 यहाँ पर लिखा हुआ, 12 ईयर टूथ इसको कहते हैं. और इसकी इसकी भी बकल सर्फेस ट्रेपिजॉइडल होती है, लिंगुअल ट्रेपिजॉइडल होती है, प्रॉक्सिमल इसकी रोम्बॉइडल होती है, और ऊपर से ये पेंटागोनल होते हैं. इसकी जो मेजर डिस्टिंग्विश एक है कि इसके अंदर फोर मेजर कस्प होते हैं. मैंडिबुलर फर्स्ट में हमने पढ़े थे 5 मेजर कस्प. वो कहते हैं इसके अंदर नॉर्मली इसके अंदर फोर मेजर कस्प होते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप बनाता है. पेंट ऊपर से जो ऑक्लूजल है ये रेक्टेंगुलर भी लगता है. और हमारे पास जो मॉडल इसके अंदर तीन बकल साइड पे तीन कस्प, डिस्टल कस्प है जो उन्होंने ख़त्म नहीं किया हुआ. ये वेरी करता है, डिस्टल कस्प हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है इसकी. इसलिए हमारे पास ये इस मॉडल में 5 ही कस्प हैं टोटल अक्लूजली. तो हम उसी की बात करेंगे. अदर कंसिडरेशन बकल ग्रूव है बकल साइड पे. उसी तरह हमने वहीं पे बकल ग्रूव पढ़ा था. बकल ग्रूव अगर हम इन्होंने 4 की बात की हुई है तो बकल ग्रूव बकल एस्पेक्ट को दो कस्प में डिवाइड करेगा, मीजियो बकल एंड डिस्टो बकल, ठीक है. और बकल पे उसको टर्मिनेट करेगी. इसी तरह लिंगुअल ग्रूव है लिंगुअल साइड पे, और वो भी लिंगुअल एस्पेक्ट को दो मीजियो लिंगुअल एंड डिस्टो लिंगुअल कस्प दो कस्प बना देगा और लिंगुअल ग्रूव है. उसके बाद इन्होंने डिस्टल एस्पेक्ट, देर इज नो डिस्टल कस्प कंटोर, नो डिस्टल बकल ग्रूव. डिस्टल बकल ग्रूव मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिस्टल कस्प हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वो बता रहे हैं कि देर इज़ नो डिस्टल कस्प कंटोर और नो डिस्टो बकल. जब बकल ग्रूव भी नहीं होगा, डिस्टल कस्प भी नहीं बनेगी, और टोटल फोर मेजर कस्प इस बुक के अकॉर्डिंग टू दिस बुक उन्होंने बताए हुए हैं. लेकिन मेरे पास जो मॉडल है वो 5 है, तो हम 4 की बात ही करते हैं. जनरल कंसीडरेशन द ऑक्लूजल टेबल ऑफ मोस्ट सेकंड मोलर इज रेक्टेंगुलर शेप. रेक्टेंगल की साइड से बन जाता है, लेकिन वो बकली फिर भी राउंड डिस्टली मोर राउंडेड होते हैं, ठीक है. और इसके बाद उन्होंने फोर कस्प बताया, मीजियो बकल डिस्ट्रो बकल मीजियो लिंगुअल एंड डिस्ट्रो लिंगुअल मोनली इक्वल. और मीजियो बकल कस्प इज़ नॉर्मली द लार्जेस्ट. मीजियो बकल हमने उसके भी अंदर भी पढ़ा था मैंडिबुलर फर्स्ट के अंदर कि वो सबसे बड़ा होता है. एंड वाइल द डिस्ट्रो लिंगुअल कस्प इज़ द स्मॉलेस्ट, और डिस्ट्रो लिंगुअल कस्प इसके अंदर स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है. इसके अंदर बाद मार्जिनल रिजेज हैं जो कि बाउंड्रीज बनाती है मीजियल और डिस्टल पे. देयर टू ट्रांसफर स्टिचेस. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर रिजेज कैसे बनती है. आमने सामने जो कस्प होते हैं उनकी उनके रिजेज मीट करते हैं और फिर ट्रांसफर रिज बनती है. फर्ज करें यहाँ पे एक ये 4 कस्प बन रहे हैं. ये दांत मैंने अजीब सा बना दिए, लेकिन 4 कस्प बनते हैं. इसलिए ये अगर बकल साइड है, ये अगर लिंगुअल साइड है, तो बकल रिज ऑफ द लिंगुअल कस्प ये उसके मीट करेंगे, और लिंगुअल कस्प ऑफ द बकल कस्प ये जंक्शन मीट करेंगे और एक ट्रांसवर्स रिज बन जाएगी. तो यहाँ उन्होंने बताया कि देर आर टू ट्रांसवर्स रिजेज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द लिंगुअल कस्प रिज ऑफ बकल कस्प एंड बकल कस्प रिजेज ऑफ द लिंगुअल कस्प इन द सेंट्रल ग्रूव एरिया, ठीक है. और फोसाज यहाँ 3 मेजर फोसाज बनते हैं. कौन कौन से डिस्कस करते हैं, सेंट्रल फोसा 3 मीजल ट्रायंगुलर फोसा, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा एंड सेंट्रल फोसा. अब सेंट्रल फोसा की डीपेस्ट पॉइंट को कहते हैं सेंट्रल पिट. वो कौन कौन से ग्रूव मिलकर बनाते हैं, बकल ग्रूव, लिंगुअल ग्रूव, सेंट्रल ग्रूव, ये सारे मिलकर बनाते हैं सेंट्रल पिट. और मीजल पिट जो कि डीपेस्ट पॉइंट होता है मीजल ट्रायंगुलर फोसा का, उसको कौन कौन से, सेंट्रल ग्रूव, मीजियो बकल ट्रायंगुलर ग्रूव, मीजियो लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव एंड मीजल मार्जिनल ग्रूव. इसी तरह डिस्टल के भी सेम है, सेंट्रल ग्रूव, डिस्टो बकल ट्रायंगुलर ग्रूव, डिस्टो लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव एंड डिस्टल मार्जिनल ग्रूव.
ये आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स ग्रूव्स पैटर्न पूछ लेते हैं वो फोसाज का। अब ये वीडियोस तकरीबन खत्म हो गई मैंडिबुलर सेकंड मोलर, लेकिन आप रूट्स का आ गया वेरिएशन एंड नॉर्मली इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइव कस्प भी हो सकते हैं वेरिएशन, वो कह रहे हैं फोर कस्प भी हो सकते हैं, रूट्स में भी फ्यूज भी हो सकती है। अब लार्ज लास्ट सबसे है कि मैंडिबुलर एट्स, मैंडिबुलर थर्ड मोलर, ये इसका एफ डी आई नंबर है, पामर नोटेशन है, टूथ नंबरिंग सिस्टम 17 to 21 और 22 लेट अडल्ट पीरियड में ये इरप्ट होता है। इसकी टाइप होती है, इट हैज़ फोर कस्प टाइप, टाइप वन और टाइप टू कौन सी होती है, फाइव कस्प टाइप्स, फाइव कस्प भी हो सकती हैं, फोर भी हो सकती हैं, और फिर इसी तरह उसकी रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, पेंटागोनल हो सकती है, वो वेरी करता है। ये बात याद रखिएगा कि हर एंटीरियर्स और पोस्टीरियर में जो लास्ट टूथ होता है उस एंटीरियर्स में, जैसे सेंट्रल लेटरल इंसाइजर हो गया, इसके एनोमलीज इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़्यादा ये अनोमली और वेरिएशन करता है जाहिर। इस तरह सेकंड प्री मोलर की ज़्यादा होती हैं, इसी तरह थर्ड मोलर्स की, चाहे वो अपर हो लोअर, थर्ड मोलर की अनोमलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। इसी तरह रूट्स की बात करें तो सिंगल फ्यूज रूट भी हो सकती है, दोनों जो मेजियल और डिस्टल रूट्स होती हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं आपस में, तो अपीयर दे मे अपीयर एज अ सिंगल फ्यूज रूट और मे बी डिवाइड एज मे बी एज एट रूट्स, उसकी इतनी ब्रांचेज निकल जाती हैं कि वो आठ रूट्स भी बन जाती हैं देखने में मिले। वेरिएशन एनोमलीज में और क्या है, थर्ड मोलर्स आर ऑफन कंजेनिटली मिसिंग, मिसिंग भी हो सकती है आजकल तो म्यूटेशन हो रही ऑल्टरनेशन, और इम्पेक्टेड भी हो सकते हैं और फिर इसकी एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ती है। देयर मे बी इमीडिएटली डिस्टल टू द थर्ड मोलर, एक सुपर न्यूमरी एक्स्ट्रा टूथ डिस्टल टू द थर्ड मोलर इरप्ट हो जाता है, जो कि अपर थर्ड मोलर की भी एनोमली थी। ये आज के वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह